क्लाइंट चाहे तो इन घर में रहने वाले लोगों से एक फीडबैक ले सकते हैं। और अब जो मकान हम बना के दे रहे हैं उसमें हम ये वार्डरोब भी बना के देंगे। तेरा आपका ड्राइंग एरिया है, आप देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक है। किसी का भी एक सपना होता है कि हम सपनों का घर बनाए। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी हब के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र आज एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही अच्छी डील लेके आया हूँ। लखनऊ के इंदिरा नगर में खड़े हुए हैं। बेसिक एमिनिटीज़ और एजुकेशन से रिलेटेड क्या चीज़ कितनी दूरी पे है उसके लिए यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेते हैं, उसे पूरी जानकारी लेते हैं। रितिका जी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, अपने व्यूअर्स को हाय करिए। हाय। तो सबसे पहले बताइए ये लोकेशन क्या लगती है, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? लोकेशन ये इंदिरा नगर एरिया लगता है, नगर निगम के अंतर्गत ये आपका एरिया और इस गाँव का नाम चंदनपुर है। चंदनपुर जी। और बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें, सुख सुविधाएं जो अगर यहाँ पे कोई लेता है तो उसको सुविधाओं में क्या क्या चीज़ सुविधाएं नियर बाई में मिलेंगी? सबसे पहले तो आप अगर हमारे एंट्रेंस पे जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पूरी तरह से एक मार्केट है, पूरी डेवलप एरिया है ये। 60 फीट रोड जो कि गवर्नमेंट से प्रस्तावित है, 60 फीट रोड से लगा हुआ हमारा ये प्रोजेक्ट है। और दूसरी चीज़ कि इसमें हम गेटेड सोसाइटी है जी, और गेटेड सोसाइटी, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा आपको अभी हमारे मौके पे आप देखेंगे, सर्वेलांस लगे हुए हैं, गार्ड्स वगैरह, गार्ड प्रॉपर वहाँ पे बैठते हैं जी। और शिक्षा के माध्यम से और हॉस्पिटल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अगर देखें तो यहाँ पे CIUS स्कूल लगभग 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से जो कि यहाँ का टॉप का है कह सकते हैं आप। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का ही एक ब्रांच है, वो CIUS स्कूल है, सिटी इंटरनेशनल कॉलेज है, यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर के 300 से 400। और हॉस्पिटल के मामले में अगर पूछें यहाँ नियर बाई में कौन सा हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे आपका 300 से 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, डिस्टेंस पे वो भी है हॉस्पिटल। किसके अंतर्गत आता है ये आपके सोसाइटी? नगर निगम। नगर निगम उसकी जो सुविधाएं होती है, गैस लाइन, पाइप, मतलब सीवर लाइन, गैस जो पाइप लाइन है वो अभी तो यहाँ नहीं है, लेकिन सीवर लाइन ऑलरेडी जब वो तो नगर निगम का काम है, नगर निगम जैसे जैसे काम स्टार्ट करेगी, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर अगर आप देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे सीवर लाइन पड़ चुकी है, सीवर लाइन पड़ चुकी जो है। हमारे जो 50-100 मकान जो बन रहे हैं उसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है, और उसमें भी हम 35 फुट की रोड दे रहे हैं, सीवर लाइन दे रहे हैं जी। और ये आपको एक तरीके का डेमो हाउस हम दिखा रहे हैं आपको, किचन वर्क अलग हो रहा है जो कि आप आएंगे देखेंगे उसको क्या चीज़ कैसे तैयार हुई है, इसलिए उसको होल्ड करके रखा हुआ है। ये हम आपको एक छोटा सा, कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है ये? लगभग 900 स्क्वायर फीट में। इसी डायमेंशन में सब बनेगा वहाँ? नहीं नहीं, वहाँ जो हम कस्टमर के अकॉर्डिंग जो बन रहे हैं वो मिनिमम जो एरिया है वो लैंड एरिया 1000 स्क्वायर फीट रख रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन 1.4 यानी कि 1400 कंस्ट्रक्शन एरिया। मैक्सिमम अगर मैक्सिमम वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ अभी क्योंकि हमारे पास लैंड जो है वो सफिशियंट है तो कस्टमर के अकॉर्डिंग हम उसको बना के दे सकते हैं। कहाँ पे वो बन रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, फिलहाल ये फ्रंट एलिवेशन है, एज इट इज आप नहीं कह सकते लेकिन लगभग लगभग ये हमारा पाँच साल पुराना ये प्रोजेक्ट है, उस समय जो एलिवेशन उस समय जो था वो हमने दिया था गेटेड टाउनशिप के अंदर, लेकिन इससे भी बेटर हम आपको जो नया प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है उसमें हम आपको एलिवेशन आप जो है एक बार कैमरा उधर घुमाएंगे, लास्ट में वो देखेंगे, लास्ट में कंस्ट्रक्शन वर्क कि ये गेटेड जो बाउंड्री लगी हुई है इसके जस्ट बाद हमारा कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है जी। और कंस्ट्रक्शन क्योंकि चल रहा है पूरी तरह से सेफ्टी के पर्पज से अभी हमने जो है बाउंड्री को हटाया नहीं है जी। तो अभी आपको वो भी दिखाएंगे, फिलहाल इंटीरियर कैसा बनेगा उसके लिए डेमो हाउस तैयार है, अंदर सब कुछ रेडी है, क्या चीज़ कैसे कंप्लीट होगी वो हम आपको छोटा सा एक डेमो हाउस दिखा के बता देते हैं। एज इट इज़ वैसे ही बनेगा, बाकी आपकी डिमांड के ऊपर है, आप जो चाहेंगे जैसा जिस हिसाब से कस्टमर चाहता है वैसे बना के देंगे ना। देख सकते हैं ये हमारा 5 साल पुराना प्रोजेक्ट है, लोगों को हमने प्रॉपर ग्रीनरी का भी ख्याल रखा है, पूरे हर घर में आप देख सकते हैं प्रॉपर ग्रीनरी है, इधर के सब सेल आउट हो चुके हैं। हाँ ये सोल्ड आउट, सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं सारे परिवार। और सबसे बड़ी चीज है कि जो मकान हम
आगे बना रहे हैं जी। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि आप कोई भी क्लाइंट चाहे तो इन घर में रहने वाले लोगों से एक फीडबैक ले सकते, क्योंकि फीडबैक इनका अच्छा है। अच्छा, 5 साल पहले ही हमने प्रोजेक्ट जो है हैंडओवर किया, लेकिन अभी तक किसी भी मकान में कोई चटकन नहीं आई है, अभी तक किसी ने भी पेंटिंग नहीं कराई, किसी कस्टमर की कोई कभी तक शिकायत नहीं रही है, अभी तक कोई शिकायत नहीं है। चलिए, इसलिए हम इससे भी बेटर और करने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं आइए कंस्ट्रक्शन वर्क भी देखिए, और यहाँ पे भी जो भी आपके पड़ोसी रहेंगे उनसे एक बार पूछिए बिल्कुल क्या माहौल कैसा है और क्या कैसे इंटीरियर में बनाए और कैसे वो रह रहे हैं। रही बात की, आप देख सकते हैं ये जो वॉल की एंडिंग होगी, वो जिस भी ब्लॉक में जाएंगे हर वॉल की एंडिंग पे एक 3D पेंटिंग हम बना के दे रहे हैं। 3D जो वॉल पेंटिंग रहेगी वो हर एंडिंग पे आपको मिलेगी, जो कि खूबसूरती एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको बढ़ाता है। तो रितिका जी चलते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी दिखा देते हैं। क्या क्या डायमेंशन आपने बताया था, क्या क्या बन सकता है इसमें? जो बेसिकली हमने जो मिनिमम एरिया रखा है वो 1000 लैंड एरिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया 1400 है जी। गेटेड सोसाइटी की बात कर रहे थे, ये आपका एक तरीके से गेट हो गया कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक की जो रोड होगी वो 35 फीट की रोड है, 35 फीट की रोड है जो हम यहाँ से लेकर और एंडिंग जो है वहाँ तक जाएगी जी। आप एक बार घुमा के देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का क्या नाम बताया था आपने? ये गर्ग इनक्लेव के नाम प्रोजेक्ट है जिसके में सारा आता है। आप आइए खुद ही आप देख सकते हैं कि मटेरियल कैसा यूज हो रहा है, और हम कस्टमर को आज की डेट में हम रिटर्न में दे रहे हैं कि हम क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमारी क्या है, इसमें क्या चीजें हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो आपके सामने होगा। और हम खुद भी चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स जो एक किसी का भी एक सपना होता है कि हम सपनों का घर बनाए, और उस घर को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत से लोग अपनी पूंजी को लगाते हैं, तो एटलीस्ट कस्टमर और क्लाइंट से हमारा रिलेशनशिप एक बिल्टअप होता है। जब हम चीजें उन्हें ट्रस्ट बनता है तब जब हम चीजें उन्हें अच्छी डिलीवर करते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि मैं बेहतर से बेहतर जो है लोगों को घर दे पाए, अच्छे बजट में अच्छी लोकेशन पे अच्छे मकान दे पाए। फिलहाल हम आपको ये दिखा इसलिए रहे हैं ताकि आप कंस्ट्रक्शन देखें, कोई भी चीज आपसे छुपी ना रहे, क्या मटेरियल यूज हुआ है, कि कैसे कैसे घर बनना है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। बाकी दिखा तो बनने के बाद भी सकते थे जी, बिल्कुल। तो ये हो गया, ये सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बाकी देख सकते हैं। अब जो हमने डेमो हाउस बनाया है चल के आपको वो दिखाते हैं क्या चीज कैसे बनी हुई है, उसको देख के आप मोटा मोटा एक अंदाजा ले सकते हैं कि कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, और आप आके भी देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी करा सकते हैं ना। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि देखिए हम फ्रंट का एलिवेशन, क्योंकि गेटेड टाउनशिप हम डेवलप कर रहे हैं तो इसमें हम फ्रंट का एलिवेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इंटीरियर का जो भी डिज़ाइन है तो वो आपके अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे जगहों पे होता है कि कस्टमर को उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिलती वो एक अकॉर्डिंग बना दिया होता, लेकिन है हमने जो एक सेटअप जो तैयार किया है उसमें आपके अकॉर्डिंग चीजें हम बना के दे सकते हैं, इंटीरियर आपका हो सकता है कस्टमाइज करा सकते हैं। चलिए, बाकी फ्रंट एलिवेशन कैसा होगा ये आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ये इमेज इसमें आपको दिख रहा होगा सेम एज ही रहेगा ना? हाँ जी। चलिए, अब आपको दिखाते हैं जो डेमो हाउस हमारा बना हुआ था क्या कितने दायरे में बना हुआ है, और उसका इंटीरियर कैसा रहेगा, बनने के बाद कैसा दिखेगा। जो कि गर्ग इनक्लेव के नाम से ये प्रोजेक्ट है, उनका ये एक डेमो हाउस है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपका ये पॉर्च एरिया हो गया, क्या साइज होगा मैम इसका? ये 10x14 का होगा। 10x14 का, और सबमर्सिबल और ये सब सारी चीजें देखिए इसमें इंडिविजुअल आपको सबमर्सिबल का कनेक्शन रहेगा सबका, और सबका इंडिविजुअल रहेगा, सबका अलग। हाँ जी, चलिए वो हो गया। उसके बाद सबसे पहले चलते हैं आपके रूम की तरफ, अगर ये रूम की बात करें तो इस रूम का साइज क्या होगा आपका? ये जो ड्राइंग एरिया है, ये 10x आपको 13 होगा, 10x13 आपका ड्राइंग एरिया है, और जो डाइनिंग एरिया हमारा है ये आपको 14x9 का है। और सीलिंग वगैरह भी आप देखेंगे एक बार ऊपर, काफी खूबसूरत दी हुई है इसमें। अच्छा, इसमें जो ये इंटीरियर आपने दिया हुआ है एज इट इज वैसे ही देंगे? एज इट इज, अगर क्लाइंट को यही पसंद आता है तो हम ऐसा ही करके देंगे, उसमें कुछ कस्टमाइज कराना चाहे तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी हम करके उनके अकॉर्डिंग करा के देंगे। चलिए, और जो फॉल सीलिंग की बात अगर करते हैं तो फॉल सीलिंग, देखिए फॉल सीलिंग में दो तरह की क्वालिटी होती है, एक जिप्सम बोर्ड पे बनाई जाती है फॉल सीलिंग, और एक मुर्गा जाली पे। मुर्गा जाली वाली जो होती है वो कॉस्टली भी आती है और वो काफी टिकाऊ होती है, तो हम जो अपने मकानों में फॉल सीलिंग दे रहे हैं वो मुर्गा जाली पे बना के दे रहे हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी की आप कह सकते हो होती है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। और इंटीरियर में इसमें अच्छे स्विचेस और वायर आयर की बात करें तो ये सब किस ब्रांड? ये आपको ब्रांडेड ही मिलेंगे जो कि हम आपको अपने उसमें रिटर्न करके दे रहे, मतलब हैवेल्स या एंकर के हम लगा के दे रहे हैं। हाँ, चलिए, तो दो एंट्री आपको मिलेंगी, एक एंट्री वो थी, एक एंट्री आपकी यहाँ की होगी। तो आप आगे दिखा, आगे आएंगे डाइनिंग
एरिया के जस्ट बगल में आपका किचन है, जो कि मैम किचन का साइज पूछे तो क्या साइज होगा इसका? ये 6x8 का है। 6x8 का किचन है। आप किचन देख सकते हैं, प्रॉपर जो है किचन हमारा वेल मेंटेन है और ये प्रॉपर फुल्ली मॉड्यूलर है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे चिमनी के लिए स्पेस लगा रखा है, छोड़ रखा है हमने, यहाँ आप अपना चिमनी फिट कर सकते हैं। यहाँ गीजर और आरओ के लिए हमने दो पॉइंट लगा रखे हैं, आप चाहें तो यहाँ गीजर भी फिक्स कर सकते हैं और एक आप आरओ का भी कनेक्शन आप लगा सकते हैं। और यहीं पे आपको एक विंडो भी दिया हुआ है, जो कि आप चिमनी नहीं यूज करना चाहते तो विंडो। इसमें एक आप देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक है जी, ये सारी चीजें हम ऐसे ही आपको आप देख सकते हैं। मॉड्यूलर किचन रहेगा इसका टॉप, आप देख सकते हैं चाहे तो सेम बनवा सकते हैं या कस्टमर अपने अकॉर्डिंग वो पसंद करके भी लगवा सकते हैं। डिजाइन आपके पास अवेलेबल होंगे जो कस्टमर पसंद करे, जैसे आप देखिए हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो आर्किटेक्ट से आपने अगर लैंड एरिया 1000 रखा है, ठीक है, तो लैंड एरिया 1000 पे हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हम मैप बना देते हैं। अगर उस मैप में आप थोड़े बहुत चेंजेस कराना चाहें तो आपके अकॉर्डिंग वो हो सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। इससे इसके बाद क्या चीज कैसे बनी हुई है वो देखते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जी, आप देख सकते हैं इसमें बकायदा डिजाइन करके भी आपको दिया हुआ है कि कैसे आप डिजाइन इसको कर सकते हैं। ये हमने ये दिखाने के लिए ये बना रखा है, हम इसमें बेड लगा के नहीं देंगे, मतलब हमने एक डेमो के लिए लगा के रखा है जी। इसमें प्रॉपर आपको देख सकते हैं यहाँ टीवी कैबिनेट हम एक आपको बेडरूम में देंगे, जो आपका मास्टर बेडरूम होगा उसमें टीवी कैबिनेट आपको मिलेगा आप फॉल सीलिंग भी ऊपर देख सकते हैं। इंटीरियर पूरा सेम एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा, इंटीरियर ऐसा मिलेगा। डेकोरेट आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेमो के तौर पे बना के दिखाया गया है। 5 साल पहले जो हमारे मकान बने थे उसमें हमने वार्डरोब नहीं दिया था, ये डमी गेट लगाया हमने, और अब जो मकान हम बना के दे रहे हैं उसमें हम ये वार्डरोब भी बना के देंगे। एक अटैच बाथरूम इसमें आपका ये हो गया, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेस्टर्न चाहते हैं या इंडियन चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लगा के देते हैं। बाकी ये आपका OTS है, आप इसमें चाहे तो प्रॉपर वेंटिलेशन का आप देख सकते हैं, इससे थोड़ा अंदर आएंगे ऊपर तक आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन इससे आती जाती रहेगी, यहाँ चाहे तो आप अपना एक वॉशिंग मशीन वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। चलिए तो ये हो गया, काफी खूबसूरत बना हुआ है। ये लैंप वैम्प जो आप देख रहे हैं खाली डिजाइन के लिए रखा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि उस अकॉर्डिंग आप डेकोरेट करके रहना चाहें तो रह सकते हैं। एक रूम आपका ये हो गया, ये एक आपका ये रूम। क्या साइज होगा इसका? ये आपका जो साइज है इसमें ये 10x12 का है। 10x12 का, हाँ जी 10x12 का ये भी है। इसमें जो ये वार्डरोब आप जो बता रही हैं और ये सब जो डिजाइन, दो रूम अगर हम नीचे 2BHK दे रहे हैं तो दोनों रूम में आपको वार्डरोब मिलेगा। हाँ जी। चलिए एक विंडो आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है, विंडो का साइज है और यहाँ आप विंडो एसी भी लगा विंडो एसी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं एसी का पॉइंट यहाँ बना हुआ है, आप चाहे तो विंडो एसी। अच्छा उस रूम में एसी का कोई ऑप्शन है? उसमें एसी नहीं है, उसमें स्प्लिट एसी लगा हुआ है। स्प्लिट लगा है जी, स्प्लिट का ऑप्शन है आपका, इसमें आपका विंडो का ऑप्शन है। छत के एरिया पे मैम पूछे तो छत के एरिया पे क्या कैसे बना होगा? छत जो एरिया पे, हाँ ओपन एरिया में एक रूम और अटैच आपको लैंड बाथ मिलेगा एज इट इज, डिजाइन ओपन टेरेस मिलेंगे। अच्छा डिजाइन की बात करें तो एज इट इज ऐसे रहेगा, और कस्टमर जो डिमांड करता है कस्टमर देखिए वो कस्टमाइज बस कराना चाहे तो अपने अकॉर्डिंग वो साइजेस थोड़ा बहुत चेंज करा सकते हैं, बाकी इंटीरियर और चीजें हम एज इट इज ही देते हैं, एज इट इज ही देते। क्लाइंट अगर चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज करा सकता है, अगर हमारे देखिए रेट में अगर 19-20 होता है तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर की डिमांड है कि कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें कुछ काम कराना चाहते हैं तब उसमें किस उसकी कॉस्टिंग जो है बढ़ जाती है, वो कॉस्टिंग। अच्छा मैम पूछे तो 1000 square feet का ये आपका जो 3BHK है इसका क्या प्राइस होगा? 3BHK हमारा 64 lakh का, which is negotiable or not? Negotiable तो देखिए ये जब on table client बैठते हैं owner के साथ तो ऐसा नहीं है negotiable, लेकिन हम काम आपको आपके सामने करके दे रहे हैं इसलिए इसमें प्राइस जो है बहुत ज़्यादा negotiable नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट चैनल के माध्यम से भी आता है तो थोड़ा बहुत होगा। चलिए ये हो गया आपका 64 lakh में, 1000 square feet, 3BHK हो गया। एक बार एड्रेस बता दीजिए प्रॉपर, जो कि अगर किसी को विजिट के लिए आना हो तो कैसे आएगा? लोकेशन प्राइम लोकेशन है, सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे रॉयल पैलेस है और इंदिरा नगर का जो थाना है पुराना थाना जो अभी जहाँ पे है उस थाने से इसकी डिस्टेंस जो है लगभग 100 meter है, 100 meter हार्डली ये ज्यादा ही होगा,
और रास्ते यहाँ आने के लिए तीन रास्ते हैं। कौन कौन से? इंदिरा नगर आपका जो मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन है वहाँ से अगर आप देखें तो लगभग 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का डिस्टेंस डिस्टेंस है। अगर आप खुर्रम नगर चौराहे से आते हैं तो 2.5 या 2.6 समथिंग आपको पड़ेगा वहाँ से भी। बाकी अगर आप कहीं पे अटक रहे हो तो डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा होगा, आप कॉल करिए, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव है वो कॉल रिसीव करेगा, वो आपको प्रॉपर लैंडमार्क और जो लोकेशन है वो आपको इंडिकेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, आप इजीली आ सकते हैं। डील 64 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट आपको 3 BHK मकान मिल रहा है। रितिका जी, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी डील में। थैंक यू सर। तो ये थी डील, अगर आप और जानकारी लेना चाहते हो तो डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके यहाँ पे आ सकते हैं। 64 लाख में बहुत अच्छी डील है, तो अगर इसी तरह की डील आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो हम आप तक लेके आते रहते हैं। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।